तू तैयार है? हाँ भसड़खोर मैं तैयार हूँ, मैं वुल्वरीन हूँ। तो दोस्तों, जहां एक तरफ रिबेल स्टार प्रभास की फिल्म कल्कि 2898 एडी इंडियन बॉक्स ऑफिस के साथ साथ दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर रुकने का नाम नहीं ले रही है और दोस्तों डेली इस फिल्म के कलेक्शंस में काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है, तो वहीं दोस्तों वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर इस हफ्ते रिलीज होने वाली वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड फिल्म डेडपूल एंड वॉल्वरिन की जो एडवांस बुकिंग है वो भी हिस्टोरिकल हो चुकी है। डेडपूल एंड वॉल्वरिन भी दोस्तों इंडियन बॉक्स ऑफिस पर अपने पहले दिन और अपने लाइफ टाइम में सभी बॉलीवुड फिल्मों को चकनाचूर करती हुई नजर आ रही है। लेकिन दोस्तों इस हफ्ते रिलीज होने वाली बॉलीवुड की ही फिल्म बैड न्यूज बॉक्स ऑफिस पर क्या कमाल कर पाई है ये इस वीडियो में हम जानेंगे। बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर बैड न्यूज के 5 दिनों के इंडियन और वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में, कल्कि के 27 दिनों के इंडियन और वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में और डेडपूल एंड वॉल्वरिन के अभी तक की टोटल एडवांस बुकिंग कलेक्शंस के बारे में, और जानेंगे दोस्तों कि क्या डेडपूल हिंदी में कल्कि के रिकॉर्ड्स को तोड़ पाएगा या नहीं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा अगर आप भी इन फिल्मों का इंतजार सब्री से कर रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग यहां पर बात कर लेते हैं फिल्म बैड न्यूज के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में, जो कि दोस्तों इंडियन बॉक्स ऑफिस पर इसी हफ्ते रिलीज की गई है। एक शानदार ट्रेलर और टीजर की वजह से दोस्तों इस फिल्म का जो बज है वो ऑडियंस के बीच में काफी अच्छा बन चुका था। यही वजह है दोस्तों कि विक्की कौशल, तृप्ति डिमरी और एमी विर्क की फिल्म बैड न्यूज ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर अपने पहले दिन शानदार ओपनिंग ली और विक्की कौशल के फिल्मी कैरियर की सबसे बड़ी ओपनर बनी। अपने पहले ही दिन 8,70,00,000 रुपए की ओपनिंग लेने वाली बैड न्यूज ने दोस्तों ऑडियंस के दिलों को जीता और अपने दूसरे दिन इस फिल्म के कलेक्शंस डबल डिजिट के आंकड़े को टच करने में कामयाब रहे और इस फिल्म ने कमाए 10,25,00,000 रुपए। जबकि दोस्तों अपने तीसरे दिन इस फिल्म के कलेक्शंस में जो ग्रोथ देखी जानी चाहिए थी वो ग्रोथ देखने को नहीं मिली और इस फिल्म ने दोस्तों अपने तीसरे दिन 11,20,00,000 रुपए कमाए। इस तरह से दोस्तों ये फिल्म शुरुआती 3 दिनों में 30,00,00,000 के आंकड़े को पार कर चुकी थी और बॉक्स ऑफिस पर इस हफ्ते की वन ऑफ द टॉप ओपनर बन चुकी थी। दोस्तों बताते चले आपको कि बैड न्यूज को इंडिया की ही तरह ओवरसीज में भी काफी अच्छा रेस्पॉन्स मिला और यही वजह है दोस्तों कि फिल्म ने दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर शुरुआती 3 दिनों में 54,00,00,000 रुपए की शानदार ओपनिंग ली। लेकिन अगर बात की जाए यहां पर इस फिल्म के विंगडेस के कलेक्शंस की तो दोस्तों कल इस फिल्म का मंडे टेस्ट था और इस फिल्म ने मंडे टेस्ट को पास करते हुए 3.5 करोड़ रुपए की कमाई इंडियन नेट बॉक्स ऑफिस पर की है, जिससे कि इस फिल्म का टोटल इंडियन नेट बॉक्स ऑफिस पर 34 करोड़ रुपए का हो चुका है। वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर दोस्तों ये फिल्म 59 करोड़ रुपए की कमाई अपने शुरुआती 4 दिनों में कर चुकी है। आज दोस्तों ये फिल्म अपने 5वें दिन 80,00,000 रुपए के एडवांस लेकर ओपन हुई है। मॉर्निंग से ही दोस्तों इस फिल्म की ऑक्यूपेंसी 7-9% की है, आफ्टरनून और इवनिंग में भी सेम ऑक्यूपेंसी देखने को मिल रही है। यही वजह है दोस्तों कि यह फिल्म आज अपने 5वें दिन 3 करोड़ रुपए की कमाई करती हुई नजर आ रही है, जिससे कि इस फिल्म का टोटल 37 करोड़ रुपए का इंडिया में हो चुका होगा और लगभग 65 करोड़ रुपए की कमाई ये फिल्म दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर कर चुकी होगी। बैड न्यूज दोस्तों फिलहाल में तो एक एवरेज ट्रेंड कर रही है, लेकिन दोस्तों इस फिल्म के कलेक्शन जैसे ही 100 करोड़ के पार होते हैं वैसे ही ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक हिट फिल्म साबित होगी। बात की जाए दोस्तों यहाँ पर फिल्म कल्कि 2898 एडी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नाग अश्विन के डायरेक्शन में बनने वाली एक एपिक साइंस फिक्शन फिल्म है कल्कि 2898 एडी, जिसके लीड में आपको प्रभास, अमिताभ बच्चन सर, दीपिका, दिशा और कमल हसन नजर आए हैं। ये फिल्म दोस्तों लगभग 600 करोड़ रुपए के बजट से बनाई गई है, जिससे कि हिंदी में 3,500 स्क्रीन्स दी गई थी और इन 3,500 स्क्रीन्स पर दोस्तों इस फिल्म ने अपने पहले ही दिन से काफी अच्छी ओपनिंग लेना शुरू की। ऑडियंस की तरफ से मिलने वाले काफी अच्छे रिव्यूज और इस फिल्म के टीजर और ट्रेलर के विजुअल्स की वजह से इस फिल्म ने अपने पहले ही दिन 24 करोड़ रुपए की ओपनिंग हिंदी बॉक्स ऑफिस पर ली और दुनिया भर में तो दोस्तों ये फिल्म इंडियन इतिहास की तीसरी सबसे बड़ी ओपनर बनी। ऑडियंस दोस्तों इस फिल्म को पसंद कर रही थी, यही वजह है दोस्तों कि अपने पहले ही हफ्ते में इस फिल्म ने 165 करोड़ रुपए हिंदी में कमाए, दूसरे हफ्ते में इस फिल्म के कलेक्शंस 70 करोड़ रुपए के रहे, तो वहीं दोस्तों अपने तीसरे हफ्ते में इस फिल्म के कलेक्शंस 33 करोड़ रुपए के रहे। 3 हफ्तों के साथ ही दोस्तों ये फिल्म हिंदी बॉक्स ऑफिस पर टोटल 268 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर चुकी थी और दोस्तों इसी के साथ इस साल रिलीज होने वाली बॉलीवुड की ही फिल्में फाइटर, बड़े मियां छोटे मियां, शैतान सभी के रिकॉर्ड्स को इस फिल्म ने बीट कर दिया। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं दोस्तों कि एक बड़ी फिल्म के साथ ही प्रभास बॉलीवुड के ही बड़े सुपरस्टार्स को बीट कर सकते हैं। लेकिन अगर बात की जाए चौथे हफ्ते की तो दोस्तों इस हफ्ते इस फिल्म के सामने कई सारी फिल्में आ चुकी हैं, लेकिन दोस्तों प्रभास की फिल्म कल की हिंदी में और तेलुगु बॉक्स ऑफिस पर रुकने का नाम
नाम नहीं ले रही। इस फिल्म ने दोस्तों अपने 23वें दिन भी हिंदी में जहां 1,55,00,000 रुपए कमाए थे, तो वहीं दोस्तों अपने 24वें दिन ये फिल्म 3,70,00,000 रुपए कमाने में कामयाब रही और अपने 25वें दिन इस फिल्म ने 5,00,00,000 रुपए की कमाई की है। इस तरह से दोस्तों इस फिल्म के कलेक्शंस हिंदी में तो टोटल 278 करोड़ रुपए के हो चुके हैं, लेकिन अगर बात की जाए विगडेस की तो दोस्तों इस फिल्म ने कल अपने 26वें दिन भी हिंदी में 1,40,00,000 रुपए कमाए और आज ये फिल्म अपने 27वें दिन भी हिंदी में 1,70,00,000 रुपए की कमाई कर रही है। ऐसे में दोस्तों ये फिल्म 281 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई तो सिर्फ हिंदी में ही कर चुकी है। वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस की बात की जाए तो दोस्तों वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर ये फिल्म 1,119 करोड़ रुपए के आंकड़े को आज पार कर रही है। जल्द ही दोस्तों ये फिल्म 1,150 करोड़ रुपए की कमाई करके बॉलीवुड की फिल्म जवान के लाइफ टाइम कलेक्शन को दुनिया भर में बीट कर देगी और इंडियन सिनेमा की वन ऑफ द बिगेस्ट ग्रोसर बन जाएगी। बात की जाए दोस्तों यहाँ पर फिल्म डेडपूल एंड वॉल्वरिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में, जो कि दोस्तों इस हफ्ते रिलीज होने वाली मार्वल सिनेमेटिक यूनिवर्स की वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड फिल्म है। और दोस्तों इस फिल्म का इंतजार सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि पूरा वर्ल्ड काफी बेसब्री से कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, मार्वल सिनेमेटिक यूनिवर्स की मच अवेटेड सुपर हीरो फिल्म है डेडपूल 3, जिसके लीड में आपको रियान रेनॉल्ड्स के साथ साथ ह्यूज जैकमैन, एमा कॉरेन और कई सारे स्टार्स नजर आने वाले हैं। शॉन लेवी के डायरेक्शन में बनने वाली दोस्तों इस फिल्म को 26 जुलाई को इंडियन बॉक्स ऑफिस पर और दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर रिलीज किया जाना है, जिसे लेकर ऑडियंस काफी एक्साइटेड है। और इसका अंदाजा दोस्तों आप इसी से लगा सकते हैं कि बॉलीवुड की फिल्मों को इस साल इतनी बड़ी ओपनिंग और इतनी बड़ी एडवांस नहीं मिली जितनी अच्छी एडवांस यहाँ पर डेडपूल एंड वॉल्वरिन को इंडियन बॉक्स ऑफिस पर मिलती हुई नजर आ रही है। इस फिल्म के दोस्तों अभी तक टोटल 1,60,000 से ज्यादा टिकट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बुक माई शो और पेटीएम पर बेचे जा चुके हैं, जो कि एक तरह से वन ऑफ द बिगेस्ट है। जबकि दोस्तों इस फिल्म के रिलीज में अब भी 3 दिनों का समय बचा हुआ है। पीवीआर, आईनॉक्स और सिनेपोलिस को मिलाकर ही दोस्तों इस फिल्म के लगभग 90,000 से ज्यादा टिकट ऑलरेडी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बिक चुके हैं और ये भी दोस्तों एक बड़ा रिकॉर्ड है। इस साल दोस्तों फाइटर जैसी फिल्म ने 2,00,000 टिकट पीवीआर, आईनॉक्स और सिनेपोलिस में बेचे थे, जबकि दोस्तों कल्कि ने ऑल ओवर इंडिया से मिलाकर लगभग 4,00,000 टिकट बेचे थे। लेकिन दोस्तों यहां पर डेडपूल एंड वॉल्वरिन हॉलीवुड की फिल्म होने के बावजूद भी इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 1,00,000 टिकट तो सिर्फ अपने 3 दिनों पहले ही बेच चुकी है और ओवरऑल दोस्तों इस फिल्म के जो टिकट सेल है वो 1,60,000 के आंकड़े को पार कर चुके हैं। इस फिल्म के रिलीज में दोस्तों जैसे जैसे समय आता जा रहा है वैसे वैसे दोस्तों इस फिल्म की एडवांस बुकिंग भी पिकअप पकड़ती हुई नजर आ रही है। अगर बात की जाए दोस्तों इस फिल्म के टोटल की तो दोस्तों इस फिल्म की एडवांस बुकिंग अभी तक 4,80,00,000 रुपए की इंडियन ग्रॉस बॉक्स ऑफिस पर हो चुकी है। आज की एडवांस दोस्तों इस फिल्म के जिस तरह से पिकअप पकड़ती हुई नजर आ रही है, ये फिल्म दोस्तों आज लगभग 2,00,000 के आंकड़े को पार कर देगी और दोस्तों इस फिल्म की एडवांस बुकिंग 6,50,000 रुपए के आंकड़े को पार कर देगी। वहीं दोस्तों ये फिल्म ओवरसीज के एडवांस को मिलाकर अभी तक टोटल 180 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर चुकी है, यानी कि लगभग $25 मिलियन से ज्यादा की कमाई इस फिल्म ने सिर्फ एडवांस में ही कर ली है। डेडपूल एंड वॉल्वरिन का इंतजार दोस्तों ऑडियंस को बेसब्री से है। फिल्म का टीजर और ट्रेलर आउटस्टैंडिंग है, जिसमें आपको ह्यूज जैकमैन और रियान रेनॉल्ड्स के बीच फाइटिंग देखने को मिलने वाली है। इस फिल्म को दोस्तों इंडियन बॉक्स ऑफिस पर जब भी रिलीज किया जाएगा, ये फिल्म नॉर्मली 20 से 25 करोड़ रुपए की ओपनिंग लेकर कल की 2898 AD और फाइटर के रिकॉर्ड्स को बीट कर देगी। आपको क्या लगता है दोस्तों, डेडपूल एंड वॉल्वरिन की ओपनिंग इंडियन बॉक्स ऑफिस पर कितने करोड़ की होने वाली है? आप हमें अपनी राय कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और क्या लगता है दोस्तों, क्या डेडपूल एंड वॉल्वरिन 200 करोड़ के क्लब में इंडिया में शामिल होगी या नहीं, हमें जरूर बताइएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय।